हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज बिग बॉस मराठी के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट लेकर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिग बॉस मराठी में होने वाली है न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही अभिनेता आदेश वैद ने बिग बॉस मराठी में वाइल्ड कार्ड एंट्री की, लेकिन महज 3 हफ्ते में ही वे घर से बाहर हो गए थे और अब न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है। दरअसल न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस दिखाई देने वाली हैं। छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस नीता शेट्टी बिग बॉस मराठी की एंट्री होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री नीता शेट्टी बिग बॉस मराठी में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली है। इस बात का इशारा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को और एक स्टोरी को शेयर करते हुए दिया, जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मैं इंतजार कर रही हूं आने का। तो इससे अब आप समझ सकते हैं कि वो अब बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली हैं। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस मराठी का घर इस समय कंटेस्टेंट के डिबेट से गुलजार है। आए दिन किसी न किसी वजह से इन कंटेस्टेंट के बीच मारपीट हो रही है, ऐसे में शो देखना काफी दिलचस्प होता जा रहा है। जी हाँ दोस्त, बिग बॉस मराठी के घर में कैप्टेंसी टास्क शुरू हो गया है। टीम ने कप्तान पद के लिए स्नेहा वाघ और तृप्ति देसाई को 2 उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत होती है। घर में भले ही 2 मजबूत गुट हो, लेकिन समूह के सदस्यों को एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखता। यह बात मीरा और गायत्री की बातचीत से जाहिर होती है। विकास और विशाल के बीच विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल भी जब विकास टास्क के बारे में बात करने के लिए विशाल के पास गए, तो विकास उसका सही जवाब ना देने पर बुरा मानने लगे। तो अब माहौल में क्या बदलाव आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और साथ ही साथ ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिग बॉस में जब वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तो क्या होगा क्या नहीं, यानी कितने ज्यादा न्यू ट्विस्ट और ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं, वो काफी देखना दिलचस्प होगा। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए। बाकी अपकमिंग एपिसोड से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।